छतगन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सभी सब परिवार सानंद, सुखी, संपन्न और मस्ती के मूड में होंगे। यद्यपि जीवन में बाधाएं आती हैं, लेकिन उन बाधाओं का डट कर सामना हर इंसान को करना चाहिए, मजबूती के साथ सामना करना चाहिए और हंसते हुए उन बाधाओं को चुनौती देनी चाहिए। यही जीवन का सार है, यही जीवन जीने का तरीका है। छतगन है ना, ध्यान दीजिएगा छतगन। आज हम लोग जेपीएससी प्रतियोगिता परीक्षा, जो कि प्रत्येक युवा का सपना होता है कि काश मैं बीडीओ बनूं, काश मैं सीओ बनूं, काश मैं डीएसपी बनूं, काश मैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर बनूं, काश मैं प्रोग्रामिंग अफसर बनूं, काश मैं अन्य उच्च प्रशासनिक पदों पर विराजमान हूं। छतगन, जेपीएससी का ख्वाब हर युवा अपने मन में सजोए रहता है, यूपीएससी का ख्वाब हर युवा अपने मन में सजोए रहता है कि काश मैं इन प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करूं तो न केवल उसके गांव में, बल्कि उसके परिवार में, उसके समाज में, उसके जिले में, उसके राज्य में और पूरे राष्ट्र में उसका नाम हो जाता है। छतगन, सोचिए उस लम्हे को, महसूस कीजिए, उन ख्वाब को देखिए जब आपके चेहरे पर एक अफसर की पर्सनैलिटी आएगी। छतगन, उस चीज को अनुभव कीजिए कि जब आप आईने के सामने खड़े रहेंगे और उस समय आपके शरीर पर खाकी वर्दी और डीएसपी का तमगा यहां पे लिखा हुआ रहेगा, डीवाईएसपी डीएसपी, तो उस समय आप कैसा प्रतीत करेंगे। अनुभव कीजिए उस सुखद पहलू को कि जब आप अपने जिप्सी में बैठेंगे, आगे डीवाईएसपी डीएसपी लिखा रहेगा और चार चार बॉडीगार्ड आपके साथ रहेंगे। जहां भी आप उतरेंगे, लोग आपको प्रणाम सर और सैल्यूट थानेदार लोग मारेंगे। उस समय को अनुभव कीजिए कि आपको कैसा लगेगा। छतगन, उस पल को अनुभव कीजिए जब आप बीडीओ बनेंगे, प्रखंड विकास पदाधिकारी बनेंगे। छतगन, एक प्रखंड के मालिक होंगे आप, प्रखंड की सारी योजनाओं का निर्माण आप करेंगे, एक सीओ जो कि प्रखंड के सारे जमीन से जुड़े हुए हर पहलुओं को देखते हैं। ऐसे पदाधिकारी जब अपने प्रखंड के कार्यालय में जाते हैं तो सारे अन्य जितने भी कर्मचारी हैं वो उनके स्वागत में, उनके सम्मान में खड़े हो जाते हैं और प्रणाम सर, गुड मॉर्निंग सर के आपको जो है अभिवादन मिलेंगे। सोचिए उन लम्हों को कि कैसा प्रतीत होगा। छतगन, जब आप सीटीओ बन जाएंगे, कॉमर्शियल टैक्सेशन ऑफिसर बन जाएंगे और अपने कार्यालय में जाएंगे तो वहां भी आपको वही सम्मान मिलेगा। हर जगह आपको सम्मान के नजरों से देखा जाएगा। समाज, परिवार, राज्य, जिला, राष्ट्र आप पर गर्व करेगा और तो और आपके माता पिता के खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। छतगन, आपके अभिभावकगण और साथ ही आपके परिवार के सदस्यगणों का तो खुशी अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाएगी कि देखो आज मेरा बेटा बीडीओ है, आज मेरा बेटा सीईओ है, आज मेरी बेटी डीएसपी है, आज मेरा बेटा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, आज मेरी बेटी कॉमर्शियल टैक्सेशन ऑफिसर है। सोचिए उस लम्हे को, उन सपने को देखिए कि जब आपके पिताजी के पास कोई जाकर के कहेगा कि सर आपके बेटे बीडीओ हैं, जैसा फोन कर दीजिए ना, मेरा वाला मनरेगा का काम करवा दे दीजिएगा प्लीज। आपके पिताजी के पास कोई जाकर के कहेगा कि सर आपके बेटे सीओ हैं, मेरे जमीन का दाखिल खारिज का मोटेशन नहीं हो पा रहा है, प्लीज आप उनको बोल दीजिए ना, मेरा दाखिल खारिज का मोटेशन हो जाएगा। उस समय आपके माता पिता के चेहरे पे जो खुशी होगी, उनका सीना 56 इंच का हो जाएगा छतगन, और उनकी गंजी की साइज जो थी वो चौड़ी हो जाएगी और वो गंजी नई ला करके आपको देनी होगी। सोचिए जिस फ्लैट के बाहर जाकर के आपके पिता ने कभी सपने देखे होंगे कि काश ये बंगला मेरा होता, काश ये फ्लैट मेरा होता, है ना, उस फ्लैट के दरबान ने आपके पिताजी को कहा होगा कि नहीं जाओ, क्या देखते हो, यहाँ से भागो, यहाँ से। उस बंगले को खरीद कर, उस फ्लैट को खरीद करके आप अपने माता पिता को समर्पित कर देंगे तो उनके माता पिता का खुशी और चेहरे पर चमक इतनी आ जाएगी कि आपके पिताजी यदि 70 बरस के वृद्ध हैं तो उनके अंदर में 40 वर्ष के जवान की चमक आ जाएगी। छतगन, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। छतगन, प्रशासनिक पदाधिकारी के पद का ग्लैमर, पावर, ताकत और सबसे बड़ी बात आम लोगों के साथ इंटरैक्शन। समाज के ऐसे अभिवंचित वर्ग जो गरीब हैं, जहां तक विकास की रोशनी नहीं पहुंची है, जो समाज के दबे कुचले वर्ग हैं, उनको विकास की किरण तक पहुंचाना, उन तक विकास पहुंचाना, उनको गरीब और कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना, बेरोजगारों को रोजगार देना, इससे बड़ा पुण्य का काम क्या हो सकता है। छतगन, एक बीडीओ चाहे तो अपने पूरे प्रखंड में
कितने लोगों को रोजगार देता है मनरेगा के तहत आप जानते होंगे। एक बीडीओ अपने प्रखंड को चाहे तो चमन बना सकता है, किस तरीके से, जब उनके पास जितनी तरह की योजनाएं आती हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की, उन योजनाओं को धरातल पर लाकर उनको सही दिशा में कार्य करवा करके सही मॉनिटरिंग करके एक बीडीओ एक सीओ अपने प्रखंड को चाहे तो विकास के पथ पर एक गंगा बहा सकते हैं छात्रगण। ये होता है ताकत, ये होता है पावर। छात्रगण मैं ये नहीं कहता कि पावर का गलत इस्तेमाल कीजिए, ताकत का गलत इस्तेमाल कीजिए। मैं हमेशा से कहता हूं कि यदि आपको भगवान ने सामर्थ्य दिया है, शक्ति दी है, ताकत दिया है, पावर दिया है, तो आप उसका सही यूज कीजिए। उस ताकत का कहां प्रयोग कीजिए, उस गरीब किसान के लिए प्रयोग कीजिए जो बेचारा जिसके खेत के फसल लहलहाने से पहले ही उसके खेत में जमीन में दरार आ गई है, जो सूखे से प्रभावित है, उसको किसान आर्थिक योजना के तहत मदद दिलवा दीजिए। आप उस वृद्ध महिला को मदद कर दीजिए जिसको पेंशन नहीं मिलता है, जिसका माथे पर कोई सरपरस्त नहीं है, जिसके पति की मृत्यु हो गई है, जिसका कोई बाल बच्चा नहीं है, उस वृद्ध महिला को आप पेंशन दिलवा दीजिए। करोड़ों दुआएं मिलेंगी छात्रगण, लाखों करोड़ों अरबों रुपया भी आप कमा लीजिएगा तो उतनी दुआएं आप नहीं कमा सकते हैं जो दुआएं आप इन पदों पर रह करके आम जनता, गरीब जनता, अभिवंचित जनता, समाज के दबे कुचले लोग, निर्धन लोगों की मदद करके कर सकते हैं। यह सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है छात्रगण, इसलिए इस प्लेटफॉर्म को एक सपने की तरह तो देखें ही, लेकिन उस सपने को साकार करने के लिए कुछ भी कर गुजरने का मादा रखें छात्रगण। गांव के बच्चे बीडीओ सीओ डीएसपी बनते हैं, शहर के बच्चे बीडीओ सीओ डीएसपी बनते हैं, पूरे गांव में सम्मानित किया जाता है, फूल मालाओं से लाद दिया जाता है और गार्जियंस को भी सम्मानित किया जाता है। सोचिए आपके पिताजी ने जाड़े में हाल कलकला देने वाली ठंड में काम किया है, गर्मी में पसीना बहाया है, ईंट ढोया है, बालू ढोया है, छर्री ढोया है ना, खेतों में कुदाल और हल चलाए हैं, किसके लिए, ताकि मैं जो काम नहीं कर पाया, जो मैं सपना नहीं देख पाया, जो मैं अपने सपने को पूरा नहीं कर पाया, मैं अपने बच्चे को सपने को पूरा करवा करके अपने सपने को पूरा कर सकूं। ये एक पिता का ख्वाब होता है छात्रगण। वो भले खेतों में हैं, लहूलुहान होकर काम करते हैं, वो भले जाड़े की ठंड रातों में भी जम के मेहनत करते हैं, लेकिन ख्वाब उनका क्या होता है कि मैं अपने बच्चे के, मैं अपने बच्ची के परवरिश को कभी भी कम नहीं होने दूं, मैं उसको शिक्षा की रोशनी से कभी भी दूर नहीं होने दूं और मैं उसे एक बड़ा अधिकारी बनाऊं। छात्रगण हर माता पिता का सपना होता है कि वह अपने बच्चे को प्रशासनिक अधिकारी बनाए। क्यों? क्योंकि आप पावर देखते हो, ताकत देखते हो, रुतबा देखते हो, ग्लैमर देखते हो और काम करने का अंदाज भी देखते हो। छात्रगण आप कई ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों से मिले होंगे जिन्होंने जिस जिले में उनकी पदस्थापना हुई उन्होंने उस जिले को चमन बना दिया, विकास की गंगा बहा दी, एक से एक आदर्श गांव का निर्माण कर दिया, बिजली, शिक्षा, सड़क, स्वच्छ पेयजल, रोजगार, स्कूल, हर क्षेत्र में उन्होंने इतना काम किया कि उनका जैसे ही ट्रांसफर होता है लोग पलके पांवड़े बिछा देते हैं, विरोध करने लगते हैं, आंदोलन करने लगते हैं कि नहीं, इस प्रशासनिक अधिकारी का, इनका ट्रांसफर यहां से नहीं होना चाहिए, हमारा क्या होगा, ये बहुत ही काम करने वाले हरदिल अजीज प्रशासनिक अधिकारी थे। तो छात्रगण आपको भी ऐसा ही बनना है, काम करना है छात्रगण, और काम आप तभी कर सकते हैं जब आप इन पदों पर बहाल हो, इन पदों पर आपकी नियुक्ति हो और इन पदों को आप प्राप्त कर सके। छात्रगण सोचिए आप जिले के डीएसपी हैं, आप अपने अनुमंडल के सबसे बड़े पुलिस पदाधिकारी हैं, एसडीपीओ हैं, डीएसपी हैं। छात्रगण कोई महिला जिसे प्रताड़ित किया जा रहा है वो आपके पास आ रही है, दहेज के लिए इसको परेशान किया जा रहा है, आप उसे न्याय दिला देते हैं, कितनी खुशी होगी आपको आंतरिक और उस महिला को कितना सुकून मिलेगा, सोचिए आप इस बात को। आप सोचिए कि कोई कमजोर व्यक्ति को कोई अपराधी धमका रहा है, डरा रहा है, उसके जमीन पे कब्जा कर ले रहा है, आप डीएसपी हैं, आप उसे न्याय दिलाते हैं, अपराधी को गिरफ्तार करके जेल भेजते हैं, सोचिए उस गरीब आदमी की दुआएं आपको जीवन में कितने काम आएंगी। तो छात्रगण ये पद केवल ताकत, ग्लैमर और पावर का पद नहीं है छात्रगण, यह पद है समाज के हर वर्ग के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलने का, ये पद है समाज के अभिवंचित वर्ग के लोगों को मदद करने का, ये पद है समाज के ऐसे शोषित, दलित और पिछड़े वर्ग के लोग जहां विकास की किरण नहीं पहुंची है वहां विकास की किरण को पहुंचाने का है। इसलिए छात्रगण ध्यान रखिए, इंतजार कर रहा है जेपीएससी आपका आने वाले समय में, जेपीएससी में अनेक रिक्तियां छात्रगण आने वाली है,
अभी आपने देखा होगा छठी जेपीएससी के प्रतियोगिता परीक्षाएं संपन्न हुई हैं। अब जो आने वाले समय में जो जेपीएससी की वैकेंसी आने वाली है वो कंबाइंड वे में आने वाली है और बहुत ही बड़े पैमाने पर आने वाली है। इसलिए आपको भी यह अवसर मिला है कि आप भी अपने गार्जियन के सपने को पूरा करें, आप भी अपने अभिभावकों के सपने को पूरा करें, आप भी उनके हौसले, चेहरे की चमक और अंदर के आत्मविश्वास को बहाएं, आप अपने माता पिता को वो सम्मान दिलाएं कि आपके माता पिता जब गुजरे अपने गांव से अपने शहर की सड़कों पर तो लोग कहें कि देखो डीएसपी साहब के पिताजी जा रहे हैं, देखो डीएसपी की माताजी जा रही हैं, देखो बीडीओ साहब के पिताजी जा रहे हैं, देखो बीडीओ साहब की माताजी जा रही हैं, देखो सीओ साहब के पिताजी जा रहे हैं, देखो सीओ साहब की माताजी जा रही हैं। क्या खुशी होगी आपके माता पिता के चेहरे पे। सोचिए छात्रगण, उन सपनों को साकार कीजिए, उन सपनों को देखिए, क्या आनंद आएगा। और याद रखिए, जब सपने अच्छे होते हैं, जब व्यक्ति सपना अच्छा देखता है तो उन सपनों को पूरे करने के लिए वह बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा के साथ एकजुट होकर पूरे दिमाग को एकाग्र करके जुट जाता है उन सपनों को पूरा करने के लिए। और यह उक्ति याद रखेंगे छात्रगण, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हें अपनी मंजिल नहीं मिल जाती है। और मैं भी आपको गुरुकुल की ओर से आह्वान करना चाहूंगा कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम जेपीएससी के प्रतियोगिता परीक्षाओं में अंतिम रूप से सफलता प्राप्त नहीं कर लेते हो, डीएसपी नहीं बन जाते हो, बीडीओ नहीं बन जाते हो, सीओ नहीं बन जाते हो, कमर्शियल टैक्सेशन ऑफिसर नहीं बन जाते हो, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर नहीं बन जाते हो। हर तरह के पोस्ट हैं छतगन, और हर पोस्ट का अपना अपना महत्व है। आप जिला शिक्षा पदाधिकारी के रूप में पूरे जिले में शिक्षा का अलग जगा सकते हैं, शिक्षा के गुणवत्तापूर्ण अध्यापन शैली को विकसित कर सकते हैं, प्रत्येक स्कूल में जाकर के औचक निरीक्षण कर शिक्षा और शिक्षकों के बीच में, विद्यार्थी और शिक्षकों के बीच में एक शानदार संतुलन स्थापित कर सकते हैं, और सरकारी स्कूलों में भी वह गुणवत्ता पूर्ण अध्यापन दिलवा सकते हैं जो कि निजी स्कूलों में भी नहीं दी जा सकती है। छतगण, इसलिए मैं यही कहूंगा कि जेपीएससी की तैयारी के लिए कमर कस लें, अपने आप को एकदम एकाग्र कर लें, मेहनत कर लें और साधु संत का जीवन जीने को तैयार हो जाएं। छतगण, कहा जाता है ख्वाब जितना ऊंचा और बड़ा होता है उसको पूरा करने के लिए शक्ति भी उतनी ही ज्यादा लगानी पड़ती है। छतगण, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा एकाग्रता, ज्यादा शक्ति, ज्यादा ताकत की जरूरत होती है, लेकिन एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ने के लिए उतना मेहनत नहीं करना पड़ता है। इसलिए ख्वाब जब बड़े हैं, सपने जब बड़े हैं और पद जब बड़ा है तो मेहनत भी छतगण वैसा ही करना होगा। भूल जाना होगा दुनियादारी, भूल जाना होगा टीवी फिल्म, भूल जाना होगा मित्रता को, भूल जाना होगा व्हाट्सएप चैटिंग को, भूल जाना होगा फेसबुक को। तो क्या याद रखना होगा? याद रखना होगा केवल और केवल ईट स्टडी, ड्रिंक स्टडी, थिंक स्टडी, वॉक स्टडी, टॉक स्टडी, एवरीवेयर स्टडी, स्टडी, स्टडी। चारों और क्या होना चाहिए छात्रगण? पढ़ाई का माहौल, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, पढ़ाई और पढ़ाई। क्योंकि जीवन में अभी की 2 साल की मेहनत, अभी की 1 साल की मेहनत छतगन आने वाले 60-65 साल तक आपको आराम, नाम, सम्मान, इज्जत, पैसा सब कुछ दिलवाएगी। और अभी यदि आपने साल 2 साल मटर गस्ती कर ली, मस्ती कर लिया, मौज मस्ती में समय गंवा दिया, दोस्ती यारी, सिनेमा, चौक चौराहे पर अड्डाबाजी और अन्य चीजों में, फेसबुक, व्हाट्सएप चैटिंग में अपने समय को बर्बाद कर दिया, तो आने वाले समय में फिर छतगण आपको लोग केवल यही कहेंगे कि देखो काम करना काज का दुश्मन अनाज का, कुछ नहीं कर पाया ये लड़का, कुछ नहीं कर पाया, बैठल बेगारी रह गया। तो छतगण, क्या आप चाहते हैं कि लोग ऐसा कहें? क्या आपके गार्जियंस का उस समय क्या असर होगा जब लोग ये कहेंगे कि यह व्यक्ति कुछ नहीं कर पाया अपने जीवन में, ये जिंदगी भर दोस्ती ही करता रहा, ये जिंदगी भर अड्डाबाजी ही करता रहा, ये जिंदगी भर केवल मटर गस्ती ही करता रहा? नहीं छात्रगण, ये अपने माता पिता के प्रति सच्ची गुरु दक्षिणा नहीं होगी, ये अपने गुरुओं के प्रति सच्चा सम्मान नहीं होगा। इसलिए छात्रगण एकाग्र हो जाएं, मेहनत करें और अपने आप को सींच दें छात्रगण, अपने आप को झोंक दें कि नहीं, मुझे इसे पाना है तो मुझे पाना है, दुनिया की कोई ताकत मुझे इस प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता से नहीं रोक सकती है। इसलिए कठिन परिश्रम करें छात्रगण और अपने आप को इस सपने को साकार करने के लिए जमकर मेहनत करें। छात्रगण, झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी के द्वारा ली जाने वाली
प्रतियोगिता परीक्षा तीन चरणों में संपन्न होती है छदगन, है ना, ध्यान देंगे। पहला होता है छदगन पीटी, जिसे प्रारंभिक परीक्षा भी कहा जाता है। दूसरा होता है छदगन मेंस, जिसे मुख्य परीक्षा कहा जाता है। और तीसरा होता है छदगन इंटरव्यू, जिसे साक्षात्कार कहा जाता है, है ना। छदगन जेपीएससी के परीक्षा आप दें, यूपीएससी की परीक्षा दें, अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा दें, जैसे बिहार का आप दे सकते हैं, राजस्थान का आप दे सकते हैं, मध्य प्रदेश का आप दे सकते हैं, छत्तीसगढ़ का आप दे सकते हैं, उत्तराखंड का आप दे सकते हैं, हरियाणा का आप दे सकते हैं। कई हिंदी भाषी ऐसे राज्य हैं जहां के प्रतियोगिता परीक्षाओं में आप भाग ले सकते हैं। कमोबेश सिलेबस लगभग सबका एक जैसा है छदगन, कोई बहुत विशेष अंतर देखने को नहीं मिलता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। छदगन गौर कीजिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग के प्रतियोगिता परीक्षाओं में केवल इतना सा अंतर होता है छात्रगण कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के प्रश्नों के जो पैटर्न होते हैं वो थोड़े से डेप्थ के होते हैं, थोड़ा और अंदर जाना पड़ता है, थोड़ा सा और ज्ञान की सीमा को बढ़ाना पड़ता है, थोड़ा सा अपने आप को और ज्यादा प्रैक्टिकल बनाना पड़ता है, स्मार्ट रणनीति अपनानी पड़ती है। जेपीएससी में भी क्वेश्चन डेप्थ होते हैं, विश्लेषणात्मक भी क्वेश्चन होते हैं, तथ्यात्मक भी होते हैं, लेकिन यहां पर प्रश्नों का लेबल यूपीएससी की तुलना में थोड़ा सा आसान होता है, है ना। तो छदगन जेपीएससी की तैयारी के लिए क्या रणनीति अपनाएं, क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, किस तरीके से आप तैयारी करें कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में सुनिश्चित की जा सके सफलता और आप इस प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करें, हम लोग यही टिप्स देने के लिए आज आपके समक्ष में आए हैं छदगन। और मुझे बहुत खुशी होगी कि हमारे द्वारा बताए गए टिप्स को यदि आप अपने जीवन में आत्मसात करते हैं, अपनाते हैं और उन चीजों को जो है बिल्कुल उसी अंदाज में आप तैयारी करते हैं, तो हम ये दावे के साथ कर सकते हैं कि आपको सफलता से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है, सफलता निश्चित तौर पर आपके कदम चूमेगी। छदगन ध्यान देंगे, छदगन गौर कीजिएगा, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जामिनेशन तीन चरणों में होती है। प्रारंभिक परीक्षा छदगन पीटी, जहां दो पेपर पूछे जाते हैं, पेपर वन 100 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस, क्वेश्चन का दो नंबर है बाबू, 200 मार्क्स के रहते हैं। पेपर टू, यहां भी 100 क्वेश्चंस रहते हैं, ये भी 2 मार्क्स के रहते हैं, 200, है ना। ये प्रीलिम्स में आता है छदगन, प्रीलिम्स परीक्षा जिसे प्रारंभिक परीक्षा भी कहा जाता है, पीटी भी कहा जाता है। इसमें आपसे उम्मीद की जाती है कि आप किसी भी विषय पर तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक दोनों प्रकार का अध्ययन किए हैं कि नहीं, आपने एनसीईआरटी की पुस्तक 6ठी से 12वीं तक की पढ़ी है कि नहीं, आपने पूरी जानकारियों को समेटा है कि नहीं, आप झारखंड के बारे में, झारखंड का इतिहास, झारखंड का भूगोल, झारखंड की राजव्यवस्था, झारखंड की कला संस्कृति, झारखंड का अर्थव्यवस्था, झारखंड के समसामयिक घटनाचक्र, इन सब पर आपकी पकड़ है कि नहीं, पैनी निगाहें हैं कि नहीं। यदि आप इन सब चीजों पर ध्यान देते हैं, आप जीएस के हर पेपर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस, करंट अफेयर्स, सब पर पकड़ बना करके रखते हैं और एक समान महत्व देते हैं, तो फिर प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। पीटी में आपका तथ्यात्मक अध्ययन, गहन विश्लेषणात्मक अध्ययन आपको सफलता के द्वार पर पहुंचा देगा, इसलिए आपको प्रारंभिक परीक्षा के लिए अपने सामान्य ज्ञान के पेपर पर तो पकड़ मजबूत करनी ही होगी, साथ ही साथ छात्रगण आपको जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए झारखंड पेपर, जो कि पेपर टू है, ये स्पेशल झारखंड है, छदगन 100 सवाल केवल झारखंड से, और पेपर वन में भी 10 सवाल झारखंड से, यानी हम दोनों को यदि छात्रगण मिला लें तो 110 सवाल केवल झारखंड से पूछे जाते हैं। छात्रगण कहा जाता है जैसा देवता वैसा पूजा, जैसा देश वैसा भेष। छात्रगण
चूंकि 110 सवाल केवल झारखंड से पूछे जाते हैं, फर्स्ट पेपर में 10 सवाल और सेकेंड पेपर में 100 सवाल, छतगन नियम कहता है कि आप झारखंड पर विशेष ध्यान दें, झारखंड पर स्पेशल कंसंट्रेट करें, झारखंड के विविध पुस्तकों को तो पढ़ें ही, साथ ही साथ हर चैप्टर के बाद प्रैक्टिस टेस्ट पेपर को भी बनाएं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की भी प्रैक्टिस करें, इससे आपका झारखंड पे पकड़ बन जाएगा और झारखंड को छतगन ऊपर ऊपर नहीं डेप्थ तक पहुँचें, अंदर तक जाएं। हम लोगों का भी प्रयास होगा कि अपने ऑनलाइन कक्षाओं में आप लोगों को गागर में सागर 15-20 किताबों का एक जगह बनाया गया नोट्स, झारखंड की इंसाइक्लोपीडिया, झारखंड सरकार का गैजेटियर और झारखंड सरकार द्वारा प्रकाशित अन्य जितने भी प्रकार के पुस्तकें हैं जिनमें सरकार की आर्थिक योजनाओं से लेकर के हर गतिविधियों की जानकारियां ऑथेंटिक रूप से दी जाती है, उन सभी को मिला करके आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे ताकि आपके प्रश्न छूटने ना पाए छतगन। ये हम लोगों का सार्थक प्रयास होगा, लेकिन आपको भी स्ट्रैटेजी बना करके चलनी होगी कि आपको मुख्य रूप से फोकस करना होगा झारखंड पर पेपर टू के लिए, क्योंकि पेपर टू में 100 क्वेश्चन झारखंड से पूछे जाएंगे और पेपर वन में 10 क्वेश्चन झारखंड से पूछे जाएंगे। छतगन, झारखंड देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जो प्रारंभिक परीक्षा में 110 प्रश्न अपने राज्य से पूछता है। छतगन, झारखंड के बच्चे झारखंड के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, आपको बाबा बैद्यनाथ मंदिर देवघर में है आप जानते हैं, है ना, माँ छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा में दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर है आप जानते हैं, बाहर के लोग इस चीज को जानते ही नहीं हैं, वो किताबों से अध्ययन करके धीरे धीरे इस पर रफ्तार को पकड़ सकते हैं, लेकिन आप चूंकि झारखंड के बासिंदे हैं तो झारखंड के बासिंदों को जानने में इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन हाँ दूसरे राज्य के बच्चों को इनके लिए मेहनत करनी होगी, उन्हें किताबों के सहारे, किताबों के द्वारा, हमारे द्वारा बताए गए अध्ययन सामग्री के द्वारा, ऑनलाइन कक्षाओं के द्वारा इस पर पकड़ बनानी होगी। और छतगन, झारखंड में हम लोगों की जो टीम रहेगी और हम लोग जो जिस प्रकार से आप लोगों को पढ़ाएंगे, हम लोग वादा करते हैं कि चाहे वो CNT एक्ट हो, SPT एक्ट हो, झारखंड से पूछे गए जितने भी इतिहास, भूगोल, झारखंड की राजव्यवस्था, झारखंड की अर्थव्यवस्था, झारखंड की कला संस्कृति, झारखंड का समसामयिक घटनाचक्र, सब पर हम लोग बहुत ही मेहनत करके आपको पढ़ाएंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि क्वेश्चंस आपके छूटने ना पाए, ये छतगन ध्यान में रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। छतगन, प्रारंभिक परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक प्रश्न रहेंगे तो उसके चार ऑप्शन रहेंगे, है ना, जैसे आपसे पूछ देगा कि झारखंड में बाबा बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था। छतगन, ऑप्शन में रहेगा राजा एनीनाथ सहदेव, दूसरा ऑप्शन में रहेगा राजा पूरन मल, तीसरा ऑप्शन में रहेगा राजा मनोज चंद्रा, चौथा ऑप्शन में रहेगा राजा राय चंद्र। तो क्या क्या जवाब दीजिएगा आप छतगन? राजा पूरनमल। JPSC में पूछा गया सवाल है, प्रथम JPSC ने सवाल को पूछा था कि झारखंड में जो बाबा बैद्यनाथ का मंदिर है ना, वो मंदिर देवघर में जो स्थित है, उस मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो राजा पूरनमल ने करवाया था। तो छतगन, ऑप्शंस आपको कैसे रहेंगे? जैसे ए ऑप्शन रहेगा, बी ऑप्शन रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा, ई रहेगा, छतगन है ना, अपना ये रहेगा, और आपको जो भी लगता है कि हाँ ये आंसर सही है तो उसको रंग दीजिए। मान लीजिए आपको लगता है बी सही है तो आपको अपने OMR सीट में बी को रंग देना है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि एक प्रश्न के 5 विकल्प या 4 विकल्प आपके सामने में छतगन रहेंगे, ये चीज को आपको ध्यान देना है। छतगन, प्रारंभिक परीक्षा को पास करने के बाद आपको कौन सी परीक्षा लेनी है? मेंस, नाम ही इसका है मुख्य परीक्षा। छतगन, जैसा नाम वैसा काम, नाम भी है मेंस और नाम भी है मुख्य परीक्षा, तो सही मायनों में यह मुख्य है। छतगन, कई लोग PT स्पेशलिस्ट तो बन जाते हैं, ऑब्जेक्टिव के वो खिलाड़ी होते हैं, वन डे के मैच में लगातार सेंचुरी मारते हैं, लेकिन जहां टेस्ट मैच की बात आती है वहां पर वो औंधे मुंह गिर जाते हैं, टेस्ट मैच में शून्य पर बोल्ड हो जाते हैं, टेस्ट मैच में विकेट नहीं ले पाते हैं, टेस्ट मैच में अपना प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो छतगन, मैं यही अनुरोध करूंगा कि वनडे के स्पेशलिस्ट खिलाड़ी ना बने, केवल ऑब्जेक्टिव के बेताज बादशाह ना बने छतगन, क्योंकि झारखंड में
पीटी जेपीएससी में तो आप निकाल लीजिएगा, लेकिन मेंस नहीं निकाल पाइएगा तो फिर यहां साक्षात्कार के लिए आपको नहीं बुलाएगा, बीच में ही आप अटक जाइएगा। जब आप क्वार्टर फाइनल में ही जो है पहुंच करके सेमीफाइनल में हार जाइएगा तो फाइनल में पहुंच पाइएगा छतगन, नहीं पहुंच पाइएगा। तो समझ लीजिए कि मेंस एक तरीके का सेमीफाइनल है जो आपको फाइनल के दरवाजे को खटखटा देता है। इसलिए छतगन मेंस के लिए आपको अलग से बहुत ही विस्तृत गहन और बहुत ही चिंतन के साथ अपनी तैयारी करनी होगी। बहुत ही अलग स्ट्रेटेजी चाहिए, एक बहुत ही अलग प्लानिंग चाहिए, एक बहुत ही अलग टाइप की रणनीति आपको छतगन बनानी होगी, तभी आप मेंस परीक्षा को पास कर सकते हैं। छतगन ऐसे मैंने कई उदाहरण देखे हैं, कई विद्यार्थियों को मैंने देखा है कि उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा कई बार पास की लेकिन मुख्य परीक्षा में वो पास नहीं कर पाए। कई विद्यार्थी मुझे ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि सर पीटी में हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, हमारा स्कोर भी बहुत अच्छा रहता है, लेकिन मुख्य परीक्षा में हम आकर के सर लटक जाते हैं, फंस जाते हैं, कभी 20 अंक से छूट जाते हैं, कभी 30 अंक से छूट जाते हैं, अंक नहीं आ पाता है सर, लिख करके तो पूरा आते हैं लेकिन नंबर नहीं मिलता है सर, क्वेश्चन छूट जाता है, टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ा जाता है, इस तरीके की समस्याएं उनके साथ सदैव आते रहती हैं। छतगन ध्यान रखिएगा, मेंस पर आपने जिस दिन कमांड कर लिया उस दिन आपको इस एग्जामिनेशन में सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। छतगन मेंस में यदि आपके स्कोर बहुत अच्छे हैं, इंटरव्यू में थोड़ा सा नंबर कम भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, मेंस आपका मेकअप कर देगा छतगन, है ना। कहा जाता है कि मेंस एक ऐसा एग्जामिनेशन है जहां का स्कोर आपने अच्छा किया और इंटरव्यू में नंबर कम भी आ गए तभी आप अच्छा रैंक प्राप्त कर सकते हैं। यह मेंस की महिमा है जिसे आपको ध्यान रखना होगा। छतगन मेंस में आपसे क्या उम्मीद की जाती है ध्यान दीजिएगा, मेंस में आपसे उम्मीद की जाती है आपकी राइटिंग स्किल, क्या कहते हैं छात्र इसको, लेखन क्षमता। छतगन आपके मन में बात आ रही होगी कि सर ये राइटिंग स्किल क्या होती है, ये लेखन क्षमता क्या होती है। छतगन ध्यान दीजिएगा, लेखन क्षमता आपका प्रस्तुतिकरण है। छतगन आप किसी भी आंसर को किस तरीके से लिखते हैं, नंबर एक आप सब्जेक्टिव जो लिख रहे हैं अपनी बातों को उसका इंट्रोडक्शन कैसा है। कहा गया फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, फिल्म का ट्रेलर अच्छा होता है तो फिल्म भी अच्छी होती है। यदि आपका इंट्रोडक्शन दमदार है, यदि आपका इंट्रोडक्शन शानदार है, यदि आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना इंट्रोडक्शन दिया लिखा है किसी भी प्रश्न के उत्तर में, तो विश्वास मानिए एग्जामिनर के नजर में आपका अंक जो है वो ज्यादा आने की संभावनाएं 100% रहेगी। छतगन इंट्रोडक्शन शानदार लिखिए, किसी भी चीज का यह पैमाना होता है। छतगन दूसरी बात क्या होती है, आपके प्रस्तुतिकरण करने का अंदाज कैसा है, आप कैसे प्रस्तुत करते हैं। मैं हमेशा से कहता हूं कि अपने आप को प्रस्तुत करें अलग तरीके से। छतगन कांच के बीच में यदि हीरे को भी रख दिया जाए तो वह भी कांच के जैसा लगने लगता है, लेकिन जब उसी हीरे को एक शोकेस में, एक बहुत बड़े ज्वेलरी के दुकान में, एक ब्रांडेड शोरूम के दुकान में जब उसको सजा के सवार करके जब रखा जाता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है छतगन। इसलिए लिखने का अंदाज, लिखने की शैली दूसरों से अलग हट करके यदि होगी छतगन आपकी तो आपको नंबर मिलेंगे। आपको मौलिकता से युक्त लेखन शैली को अपनाना होगा, किताबी भाषा का प्रयोग कम से कम करना होगा, अपनी भाषा का प्रयोग छतगन ज्यादा से ज्यादा करें। लेखन शैली इसी को कहा जाता है, राइटिंग स्किल इसी को कहा जाता है। दूसरी बात क्या करनी है छतगन स्ट्रेटेजी के तहत, शब्द सीमा का अतिक्रमण न करें। छतगन आपको मान लीजिए जेपीएससी में लिखा गया है कि 200 शब्दों में ही उत्तर दें, तो ऐसा ना करें आप कि 150 शब्दों में ही लिख के छोड़ दें या फिर 300 शब्दों में उसका आंसर दे दिए। क्यों भाई, अरे ग्रेजुएशन पीजी में बड़ी लिख ले लियो, इंटर के एग्जाम में बड़ी नंबर आ गए, कॉपी भर दिलियो एकदम हाथवा दर्द कर गए, एकदम पेन खत्म हो गए, लिडवे खत्म हो गए, दूदू को पेन से लिख दे लियो। तो छतगन ये कॉपी भरने का एग्जामिनेशन नहीं है, ये कहानी लिखने का एग्जामिनेशन नहीं है, ये फिल्मी कहानी लिखने का एग्जामिनेशन नहीं है, या एक ही पॉइंट को बार बार लिखने का एग्जामिनेशन नहीं है जो ग्रेजुएशन पीजी और इंटर में आप करते आए हैं। वहां पे तो आपने कर दिया, वहां सद भी गया,
लेकिन यहां पर आपकी कॉपी कहां जाएगी? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आपकी कॉपी कहां जाएगी? अलाहाबाद यूनिवर्सिटी। आपकी कॉपी कहां जाएगी? दिल्ली यूनिवर्सिटी। आपकी कॉपी कहां जाएगी? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। आपकी कॉपी कहां जाएगी? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आपकी कॉपी कहां जाएगी? जामिया मिलिया विश्वविद्यालय। आपकी कॉपी कहां जाएगी? काशी विद्यापीठ। ऐसे ऐसे स्थान पर आपकी कॉपी उन चुनिंदा व्यक्तियों के पास जाएगी जो पुस्तकें लिखते हैं, जिन्होंने बुक एक से बढ़कर एक किताबें लिखी हैं, उनके पास कॉपी आपकी जाएगी। छतगन एक एक लाइन को वो गौर से पढ़ेंगे और जहां भी आपने थोड़ी सी भी गलती की, एक पॉइंट को दोहराने की भी कोशिश की, तो समझ लीजिए कि आपके अंक गए, आपकी कहानी खत्म हो गई। इसलिए राइटिंग स्किल पर विशेष ध्यान देंगे छतगन, एक बात। दूसरी बात कि आपकी भाषागत अशुद्धता भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि छतगन ये आप बहुत बड़ा एग्जामिनेशन दे रहे हैं। ये एग्जामिनेशन कोई छोटा मोटा एग्जामिनेशन नहीं है छतगन, प्रशासनिक पदों के लिए, प्रशासनिक पदाधिकारियों के लिए नियुक्ति के लिए यह प्रतियोगिता परीक्षा ली जाती है। डीएसपी, बीडीओ, सीओ, कमर्शियल टैक्सेशन ऑफिसर आपको बनाया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर आपको बनाया जा रहा है छतगन। ऐसी स्थिति में आपसे उम्मीद की जाती है कि कम से कम भाषागत अशुद्धियां तो आप नहीं करें, कम से कम हर्षई दीर्घई का ज्ञान हो, बड़ी ऊ की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, कम से कम ये सब चीजों में यदि आपकी गलती है, मान लीजिए आपने 10 लाइन लिखी और उसमें से 10 गलतियां आपने लिख दिया, तो एग्जामिनर के नजर में इंप्रेशन खराब होगा छतगन। उसे लगेगा कि इसकी अशुद्धता कितनी है लिखने में, ये कैसे आखिर अधिकारी बनने के लायक नहीं है, इज नॉट डिजर्विंग फॉर दिस पोस्ट, है ना। और इसलिए आपको वहां से फिर जो है असफलता हाथ लगेगी छतगन। इसलिए भाषागत अशुद्धियों को अभी से सुधारें, न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ें। यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश मीडियम के न्यूज़पेपर्स पढ़ें, यदि आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी मीडियम का एडिटोरियल पेज जो संपादकीय पृष्ठ आता है उसको पढ़ें। क्या फायदा होगा? आपकी स्पेलिंग खुद ब खुद सुधरनी शुरू हो जाएगी कि इसको कैसे लिखा गया था पेपर में, क्योंकि पेपर में अशुद्धि नहीं होती है छतगन, वहां पे जो भी चीज लिखा जाता है एडिट करके लिखा जाता है, कई दौर से गुजरता है और वहां पे संपादक महोदय से लेकर के उप संपादक सब लोग देख करके लिखते हैं। इसलिए छतगन वहां पर आप न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ें, आपको उसका निश्चित तौर पर फायदा होगा और आपकी भाषागत अशुद्धियां भी सुधर जाएंगी। साथ ही साथ छतगन न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज पढ़ने से क्या फायदा होता है? नॉलेज तो बढ़ता ही है, किसी चीज को कैसे लिखना है इसकी भी जानकारी मिलती है, यह भी फायदेमंद होता है। इसलिए छतगन इसे भी आपको ध्यान रखना होगा, इसे भी आपको गौर करना होगा। छतगन शब्द सीमा का मैंने कहा कि अतिक्रमण न करें, शब्द सीमा जितना कहा जाए ठीक है, कुछ शब्द कम हो रहे हैं, जैसे 200 शब्द में लिखना है, आपने 190 शब्द तक लिखा, 180 तक चला चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने 220 भी कर दिया, 230 तक भी चले गए, 210 तक भी चले गए, वो भी चलिए क्षम्य है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद आप अतिक्रमण कर देते हो तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। उन सीमाओं को, लिमिट्स को पार न करें छतगन, ये मेरा आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट होगा, इसे ध्यान देंगे छतगन। दूसरी बात जो जाननी है आपको मुख्य परीक्षा के लिए कि आपसे क्या उम्मीद की जाती है छतगन, कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, हर बच्चा, हर विद्यार्थी, हर प्रतियोगी कोशिश करता है कि उस प्रश्न का जवाब दें, लेकिन अंक उसे ज्यादा मिलता है जो दूसरों से ज्यादा पॉइंट्स लिखता है छात्रगण। आपने यदि दूसरों से ज्यादा पॉइंट्स लिखे, आपके पॉइंट्स दूसरों से ज्यादा दमदार रहे, किसी ने अकबर के धार्मिक नीति में 10 पॉइंट लिखे और आपने 15 पॉइंट लिख दिया तो आपके नंबर ज्यादा आएंगे, आपने दमदार पॉइंट्स लिख दिया तो आपके नंबर ज्यादा आएंगे, ये विश्वास मानिए छतगन। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली से क्वेश्चन आया, किसी ने 8 पॉइंट लिखे, आपने 15 पॉइंट लिखे और 15 पॉइंट दमदार तरीके से लिखे, शानदार उसको डिस्क्राइब किया, मैपवर्क तक दिखाया उसमें, है ना, और कोटेशंस भी दिए, तो विश्वास मानिए कि आपको नंबर ज्यादा आएंगे। इसलिए छतगन पॉइंट्स ज्यादा से ज्यादा अपने तर्कस में रखें ताकि आप एग्जामिनेशन में दूसरों से ज्यादा पॉइंट्स को लिख सकें, ताकि आपको दूसरों से ज्यादा अंक आए, क्योंकि मेंस में जिनके ज्यादा अंक आते हैं वही सफल हो सकता है छतगन। तो इसलिए रणनीति को बनाएं, मेंस में कोशिश करें कि मैं ज्यादा से ज्यादा अंक एग्जामिनर से लेने की कोशिश करूं, उन्हें मजबूर करें कि आपको वो ज्यादा से ज्यादा अंक दें, क्यों, यही आपका प्रस्तुतिकरण कहलाता है, यही आपका जो है एक तरीके से प्रेजेंटेशन कहलाता है, जिसे आपको सुधारना होगा छतगन, और किताबों का अध्ययन करके आपको ये नोट्स में कोशिश करनी होगी। संस्थान का भी प्रयास होगा कि हम लोग जो नोट्स आपको छतगन लिखाएंगे वो नोट्स
अपने आप में बहुत ही सलीके से तैयार किए गए, कई किताबों से, इंसाइक्लोपीडिया से मिला करके, और कई विद्वानों और विशेषज्ञों के द्वारा वो तैयार किए जाएंगे, जो कि अपने आप में आपके लिए मील का पत्थर और संजीवनी बूटी का काम करेंगे। एक आइडियल आंसर हम लोग आपको लिखाएंगे छात्रगण, जिसे लिख करके आप सफलता के द्वार पर बिल्कुल दस्तक दे सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। छात्रगण, लेखन क्षमता में, मेंस में आपसे यह भी उम्मीद की जाती है कि किसी भी चीज के प्रति आप नकारात्मक रवैया अपना करके नहीं लिखें। छात्रगण, महात्मा गांधी से आपको कितनी भी नफरत क्यों ना हो, महात्मा गांधी के प्रति आपके मन में कितनी भी घृणा क्यों ना हो, लेकिन यदि आ जाए सवाल कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के योगदानों का उल्लेख करें, तो छात्रगण कभी भी नकारात्मक बातों को नहीं लिखेगा, क्योंकि वो हमारे राष्ट्रपिता हैं। छात्रगण, पिता की तो शिकायत और नकारात्मक बातें नहीं कही जाती है, तो राष्ट्रपिता है वो, राष्ट्रपिता के संबंध में कभी भी नकारात्मक टिप्पणी न करें। छात्रगण, छात्रगण जहां बैठेंगे एक पदाधिकारी बन के, BDO, CEO, DSP, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, कमर्शियल टैक्सेशन ऑफिसर बन के बैठेंगे, उसके पीछे तस्वीर किसकी लगी होगी? राष्ट्रपिता की, महात्मा गांधी की। और राष्ट्रपिता की तस्वीर लगी रहेगी, जिसके जो है साये तले आप बैठे रहेंगे, उनकी निंदा नहीं की जाती है। छात्रगण, राष्ट्रपिता जैसे भी हैं, है ना, आप उनकी प्रशंसा करें, आप उनके प्रति सकारात्मक सोच रखें, ये हमेशा ध्यान रखें। छात्रगण, आपको औरंगजेब पसंद नहीं है मुगल शासकों में, है ना, तो औरंगजेब का धार्मिक नीति आ जाए या औरंगजेब का चरित्र चित्रण करने का आ जाए किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग के प्रतियोगिता परीक्षाओं में, UPSC के एग्जामिनेशन में, तो आप कभी भी नकारात्मक मत लिखिएगा। छात्रगण, बी पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव बनिए। छात्रगण, आधा गिलास भरा हुआ है, आधा खाली है, पहले देखिए कि आधा गिलास भरा हुआ तो है, फिर ना देखिए आधा गिलास खाली है, लेकिन पहले ही नकारात्मक ढूंढने लगिएगा तो बाबू इस दुनिया में तो हर व्यक्ति में नकारात्मकता मिल जाएगी, है ना, आप तो हो सकता है कि ईश्वर में भी नकारात्मक गुण खोजना शुरू कर दें। तो छात्रगण, सकारात्मक खोजिएगा तो संतुष्ट भी रहिएगा, आत्मसंतोष रहेगा आपको कि नहीं चलो मैं हर चीज में पॉजिटिव देखने की कोशिश करता हूं, नेगेटिव में भी पॉजिटिव को ढूंढने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप नेगेटिव बातों को नहीं लिखें, नकारात्मक चीजों को ना लिखें, लेकिन सकारात्मक के बाद नकारात्मक लिखना ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा प्रभावशाली होता है, ये चीजों को ध्यान रखेंगे। छात्रगण, मान लीजिए औरंगजेब की धार्मिक नीति आ गई, है ना, या औरंगजेब का चरित्र चित्रण आ गया और आपको औरंगजेब कैरेक्टर से नफरत है और आप लिखना शुरू कर दिए कि औरंगजेब जो है वो धार्मिक रूप से कट्टर शासक था, इसने हिंदू मंदिरों को विध्वंस करवा दिया, इसने हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया, इसने हिंदुओं पर तीर्थयात्रा कर लगा दिया, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, आपने ये करना शुरू कर दिया। छात्रगण, विश्वास मानिए आपको अंक बहुत ही कम दिए जाएंगे, लेकिन छात्रगण वही आपने प्रस्तुतिकरण को बदला और लिखना शुरू किया कि मुगल शासकों में औरंगजेब सबसे ज्यादा चरित्रवान शासक था, इसे जिंदा पीर, चलता फिरता दरवेश या संत भी कहा जाता है, इसने अपने संपूर्ण जीवन काल में नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगा दी थी, इसे दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसने तुलादान प्रथा, झरोखा दर्शन इत्यादि प्रथाओं पर रोक लगा दी, वेश्यावृत्ति, नृत्य संगीत जैसे जो ऐश्वर्य विलासिता के संसाधन हैं उन पर रोक लगा दी, यह आज के लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक उदाहरण जो है बना। क्यों? क्योंकि यह शासक एक ऐसा शासक था जो टोपी सिलकर गुजारा करता था। छात्रगण, टोपी सिलता था, कुरान की आयतें लिखता था कागज में, उसको बाजार में बिकवाता था और उससे अपना गुजारा करता था, राजकोष से एक भी पैसा नहीं लेता था। छात्रगण, बोलता था नहीं, राजकोष का जो पैसा है वो किसका है? गरीबों का है। राजकोष का जो पैसा है वो किसका है? जनता का है। राजकोष का जो पैसा है वो जनता की गाढ़ी कमाई है, इस पर मेरा हक नहीं है, मैं इसे नहीं छू सकता हूं। छात्रगण, आज हमारे लोकतांत्रिक पदों पर बैठे हुए सांसद, विधायक, मंत्री और अन्य जितने भी हमारे संवैधानिक पदाधिकारी हैं, यदि उनकी सोच औरंगजेब जैसी हो जाए तो इस देश का काया पलट हो जाएगा। आज देख लीजिए, सांसदों, विधायकों को मिलने वाली सुविधाएं में जब भी बातें होती हैं तो सारे सांसद, विधायक, चाहे वो किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, तुरंत हाथ उठा देते हैं कि आप लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए। हाँ, मिलनी चाहिए। कांग्रेस, भाजपा सब एक हैं? हाँ, सब एक हैं। आप लोगों को वेतन में बढ़ोतरी होनी चाहिए? हाँ, बढ़नी चाहिए। आप लोगों को अन्य वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए? हाँ, मिलनी चाहिए। यहाँ पे आप लोगों का कोई विवाद नहीं है? नहीं, हम साथ साथ हैं, सब एक है यहाँ पर।
अन्य चीजों में विवाद हो जाएगा छात्रगण, लेकिन यहां पर सब हम साथ साथ हैं हो जाता है। लेकिन औरंगजेब का जीवन एक सबक है छात्रगण, क्योंकि राजकोष से एक रुपया नहीं लेना, एक राजा होते हुए भी टोपी सिल करके गुजारा करना, और मरने के पहले दो रूम टोपी सिल करके रख दिया था और बोला था कि सुनो इस टोपी को बेच करके इससे जितने पैसे आएंगे उसी से मेरा अंतिम संस्कार करना, एक रुपया भी राजकोष से नहीं लेना। तो छात्रगण ये आइडियोलॉजी थी उसकी, भांग चरस गांजा अफीम शराब सब पर रोक लगा दिया। सोचिए कितनी बड़ी बात थी ये छात्रगण, ये सब आइडियोलॉजी थी, ये एक आइडियल शासक था। ठीक है, मैं मानता हूं कि उसमें नकारात्मक गुण थे, हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया, कट्टरता उसके अंदर में समावेशित थी, क्रूरता उसके अंदर में समावेशित थी, धार्मिक मतांधता उसके अंदर में समावेशित थी, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन पहले सकारात्मक पहलू फिर नकारात्मक पहलू को लिखेंगे तो ये एक अच्छा इंप्रेशन जमाएगा और आपको निश्चित तौर पर अंक अच्छे दिलाएगा। यही मुख्य परीक्षा की स्ट्रैटेजी बनाइए छात्रगण, इसलिए लेखन शैली को विकसित करें, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट लिखें, शब्दों का अतिक्रमण न करें, शब्द सीमा में रह करके ही गागर में सागर देने की कोशिश करें तो आपको मुख्य परीक्षा में सफलता से कोई भी ताकत छात्रगण नहीं रोक सकती है। इसलिए मुख्य परीक्षा में आपकी रणनीति होनी चाहिए कि अलग तरीके का प्रस्तुतिकरण, औरों से अलग अंदाज में प्रस्तुतिकरण, यही आपको सफलता का रास्ता तय करेगा, यही आपके सफलता का मार्ग को प्रशस्त करेगा। छात्रगण ध्यान दीजिएगा, छात्रगण तीसरी चीज जो कि जेपीएससी के लिए मुख्य परीक्षा को यदि आप पास कर जाते हैं, मुख्य परीक्षा में सफलता के झंडे आप बुलंद कर देते हैं, तो फिर छात्रगण आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार। छात्रगण साक्षात्कार में क्या देखा जाता है, आपकी व्यक्तित्व कैसी है, आपका पर्सनालिटी कैसा है, आपके अंदर में नेतृत्व क्षमता लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं। आपको यदि किसी अनुमंडल का पुलिस पदाधिकारी बना दिया जाए तो आप सही मायनों में पुलिस पदाधिकारी के रूप में उस अनुमंडल में अपराध पर नियंत्रण और पूरे पुलिस व्यवस्था को एक साथ टीम वर्क के द्वारा लेकर के चल पाएंगे कि नहीं। आपको किसी प्रखंड का प्रखंड विकास पदाधिकारी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ बना दिया जाए तो ऐसी स्थिति में आप उस ब्लॉक में अन्य पदाधिकारियों के साथ अन्य कर्मचारियों के साथ सामंजस्य संतुलन बनाते हुए टीम वर्क के माध्यम से कार्य कर पाएंगे कि नहीं, आपके अंदर में वो सारी क्वालिटी है कि नहीं जो कि टीम भावना के साथ काम करने के लिए आपके व्यक्तित्व को बनाती है, ये सारे चीजों को देखा जाता है। छात्रगण इंटरव्यू में यह भी देखा जाता है कि आपका व्यवहार कैसा है, आप तुरंत क्रोधित और आवेशित तो नहीं हो जाते, आपके खिलाफ यदि कोई भी नकारात्मक टिप्पणी होती है तो आप तुरंत क्रोधित होकर के कोई गलत एक्शन तो नहीं ले लेते, क्योंकि छात्रगण याद रखिए आप बड़े पदाधिकारी के रूप में रहेंगे तो हमेशा जनता केवल आपकी पूजा करे ऐसा नहीं है, आपसे कभी कोई गलती हो जाएगी तो आपको मुद्दाबाद के नारे भी सुनने पड़ेंगे, तैयार रखना होगा इसके लिए, है ना। ऐसा नहीं कि मुद्दाबाद का नारा लग रहा है आप डीएसपी हैं और आपके कार्यालय के बाहर पब्लिक आके जमा हो गई और मुद्दाबाद मुद्दाबाद के नारे लगा रही है तो आप गोली चलाने का आदेश दे दीजिएगा, है ना, गोली चलवा दीजिएगा आप लोग पर क्रोधित होकर, नहीं छात्रगण नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा और जेल भी जाना पड़ जाएगा। इसलिए छात्रगण हमेशा ध्यान रखिए इंटरव्यू में आपसे देखा जाता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप में निर्णय लेने की क्षमता है कि नहीं, आप क्विक डिसीजन लेते हैं कि नहीं, त्वरित आप किसी चीज को निष्पादन करना जानते हैं कि नहीं और सही दिशा में डिसीजन लेते हैं कि नहीं, ये सब साक्षात्कार में आपको देखा जाता है। साथ ही साथ विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराने की कला आप में है कि नहीं, कठिन चुनौतियों को भी आपको झेलने की क्षमता है कि नहीं, आप विपरीत परिस्थितियों में भी अपना संतुलन अपने आप को बनाए रखते हैं कि नहीं, आप आत्म संतुलन को खो तो नहीं देते हैं, ये आपसे उम्मीद की जाती है छात्रगण। इसलिए अपनी पर्सनालिटी को विकसित करें, अपने कमियों का मूल्यांकन करें, यदि आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है तो उसे नियंत्रित करें, यदि आपको लगता है कि आप में आत्मविश्वास की कमी है तो आप उस आत्मविश्वास को बढ़ाएं छात्रगण, क्योंकि इंटरव्यू में 25-30 मिनट में आपके जीवन में 25 साल 26 साल 27 साल जो भी आपकी उम्र है आपका क्या व्यक्तित्व है 25-30 मिनट के अंदर साक्षात्कार बोर्ड में बैठे हुए महान विद्वान गण और साथ ही साथ मनोचिकित्सक जो कि साइकेट्रिस्ट होते हैं वो आपके चलने के अंदाज बोलने के अंदाज बैठने के अंदाज आपका फेशियल एक्सप्रेशन किसी भी चीज पर आपकी प्रतिक्रिया को देख करके वो बता देंगे कि आप सही मायनों में अधिकारी बनने के लायक हैं या नहीं। इसलिए छात्रगण अपने व्यक्तित्व का विकास करें और इंटरव्यू बोर्ड के सामने अपने आप को मुस्कुरा कर प्रस्तुत करें। छात्रगण हमेशा याद रखें खिला हुआ गुलाब
खिला हुआ फूल सबों को अच्छा लगता है, खिला हुआ चेहरा सबों को अच्छा लगता है। छतगन मुस्कुराते हुए 5-6 सेकंड की मुस्कुराहट से जब आपकी तस्वीर आती है, तो जब वह इतनी खूबसूरत तस्वीर आती है मुस्कुराते हुए, तो जब आप मुस्कुराते हुए इंटरव्यू देंगे तो यह आपके आत्मविश्वास को प्रदर्शित करता है। छतगन, मैं आपसे पूछता हूं, आपको मुस्कुराता हुआ व्यक्ति पसंद है या एकदम सीरियस रहने वाला? है ना, आप बोलेगा सर मुस्कुराता हुआ व्यक्ति पसंद है। क्यों? मुस्कुराते हुए व्यक्ति को देख करके आपकी भी बाछी खिल जाती है, आपको भी अंदर से खुशी महसूस होती है, आप भी मुस्कुराते हैं और जिंदगी इसी का नाम है छतगन। इसलिए मुस्कुराते रहना ही जरूरी होता है, ये ध्यान में रखेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप जाए और इंटरव्यू बोर्ड के सामने एकदम हंसने लग जाए जोर जोर से, है ना, मैं ये नहीं कहता। मेरा कहने का मतलब है कि आपके चेहरे से कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए, आपके चेहरे से आत्मविश्वास झलकना चाहिए, आपके चेहरे से खुशी झलकनी चाहिए, आपके चेहरे पर खौफ का मंजर नहीं होना चाहिए छतगन, आपके चेहरे पर डर नहीं होना चाहिए, आपके चेहरे पर सिकन नहीं होनी चाहिए, आपके चेहरे पर दबाव नहीं होना चाहिए, आपके चेहरे पर तनाव नहीं होना चाहिए। ये इंटरव्यू बोर्ड में वो लोग देखते हैं। छतगन, आप इंटरव्यू बोर्ड में 10 प्रश्न मान लीजिए आपसे पूछे गए, 6 प्रश्नों का जवाब आप नहीं दे पाए, 4 प्रश्नों का भी आपने जवाब सही दिया तो आपका चयन होने का संभावना है। बसते कि 6 प्रश्नों के जवाब में आपने क्षमा याचना कर ली, सॉरी सर मैं इसका जवाब नहीं जानता हूं, ईमानदारी पूर्वक एकदम, है ना। लेकिन वहीं आप कि गलत सलत जवाब आप दे रहे हैं, आए बाएं जवाब दे रहे हैं, ऐसा लगता है सर मुझे लगता है ये होगा, नहीं सर ये होगा वो होगा, इस तरह का कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, तो फिर आपकी सफलता संदिग्ध हो जाएगी। इसलिए छतगन, जो जानते हैं उतना ही इंटरव्यू में जवाब दें, जो नहीं जानते हैं सीधे इंटरव्यू बोर्ड से क्षमा याचना कर लें, श्रीमान मैं क्षमा चाहता हूं मैं इसका जवाब नहीं जानता हूं। जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हैं उसी भाषा में इंटरव्यू दें, ये नहीं कि अंग्रेजी भाषा में मैं इंटरव्यू दूंगा तो मुझे बहुत अच्छे अंक आएंगे या मेरा इंप्रेशन अच्छा बनेगा। नहीं छतगन, इस गलतफहमी को अपने अंदर से दूर कर लें। जिस भाषा में आप अपनी अभिव्यक्ति को शानदार तरीके से इंटरव्यू बोर्ड के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं उसी भाषा का आपको प्रयोग करना चाहिए, न कि किसी अन्य भाषा का। इसलिए छतगन याद रखिएगा, आप अपनी भाषा जहां पर आप बहुत ही कंफर्ट जोन में हैं उसे ही प्रस्तुत करें, यह ध्यान में रखेंगे। छतगन गौर करेंगे साक्षात्कार में आपकी पर्सनालिटी, इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी देखने के बाद ही आपका चयन जेपीएससी के लिए कर लिया जाता है। छतगन, जैसी पर्सनालिटी आपकी होती है उसी तरह की सेवाओं के लिए भी आपकी नियुक्ति की जाती है। यद्यपि ये आपके चॉइस पर भी निर्भर होता है, लेकिन आपकी पर्सनालिटी भी इस चीज के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। इसलिए छतगन कमर कस लें, मेहनत करें, ऊर्जावान बने और लक्ष्य को निर्धारित करके अर्जुन की तरह तीर चलाना सीखें। छतगन, कि मेरा लक्ष्य यदि है तो वह जेपीएससी है और इसमें सफलता मुझे प्राप्त करनी है, मुझे कोई ताकत नहीं रोक सकती है। तो छतगन ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, मुख्य परीक्षा सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव बोथ यहां पर रहते हैं, ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चंस यहां पर रहते हैं, प्रत्येक पेपर्स में 10-10 क्वेश्चंस रहते हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव का भी आपका यहाँ पे थोड़ा सा जो है यहाँ वाला पीटी वाला पढ़ाई मेंस में भी काम आ जाएगा। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर चूंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं तो यहाँ पर आपकी लिखने की लेखन की क्षमता का जो है परिचय होगा कि आपके लिखने की शैली कैसी है, आपका प्रस्तुतिकरण कैसा है, आपका अंदाजे बयां कैसा है, आप शब्द सीमा का अतिक्रमण तो नहीं करते हैं, आप किसी के प्रति नकारात्मक रवैया रखते हुए तो नहीं लिखते हैं, ये सब चीजों को एकदम चेकआउट करें। छतगन, हैंडराइटिंग कोई बहुत मैटर नहीं करती है। बहुत से लोगों को गलतफहमी है कि मेरा हैंडराइटिंग उतना अच्छा नहीं है तो हम का जेपीएससी पास कर पाएंगे, नहीं ये गलतफहमी नहीं रखें छतगन। यदि ऐसी बात होती तो कोई व्यक्ति डॉक्टर और इंजीनियर बनता ही नहीं। डॉक्टर का पुर्जा जो डॉक्टर दवा लिखता है छतगन वो केवल कौन कह पाता है? केमिस्ट, दवा दुकानदार, कि कौन सी दवा लिखी, कालपोल है कि पैरासिटामोल है कि बिकाडेक्सामिन है, हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं कितना भी माइक्रोस्कोप से देख लें। तो छतगन डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर लोग जो बनते हैं उनकी भी हैंडराइटिंग कई कई डॉक्टर्स की अच्छी नहीं होती है, तो वो कैसे बनते हैं? ऐसी बात नहीं है कि हैंडराइटिंग आपकी थोड़ी सी खराब है या थोड़ी सी अच्छी नहीं है तो आप नहीं बन पाओगे, नहीं। हाँ, हैंडराइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि कम से कम स्पष्ट तौर पर दिखाई दे, और आप इस गलतफहमी में भी ना रहें छतगन, मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा बेबाक तरीके से कि आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, लगता है कि एकदम छाप दिया आपने, कंप्यूटराइज्ड नोट्स बनकर के निकला है एकदम, और आपको पूछा गया अकबर की धार्मिक नीति और लिख दिया औरंगजेब की धार्मिक नीति, और लिखा एकदम कंप्यूटराइज नोट टाइप का बहुत सुंदर, लाल पीला हरा नीला करके, और एकदम बहुत लग रहा है बाप इससे तो सुंदर हैंडराइटिंग मोती जैसे अक्षर है आपके, और आप सोचिएगा हम पास कर जाएंगे सर हैंडराइटिंग के बदौलत नंबर मिल जाएगा, तो नहीं छतगन।
इस गलत फहमी को दूर कर दें। ग्रेजुएशन पीजी इंटरमीडिएट में जरूर नंबर मिल सकते हैं हैंडराइटिंग के बदौलत, वहां पे इंप्रेशन जम सकता है, लेकिन यह बड़ा एग्जाम है, यह प्रशासनिक पदाधिकारी बड़े ओहदे का एग्जामिनेशन है, जहां आपकी कॉपी वो जांचेंगे जिन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। बड़े बड़े प्रोफेसर, लेक्चरर, वाइस चांसलर आपकी कॉपी को जांचेंगे। वहां पर कभी भी इस गलतफहमी में न रहिएगा कि मेरे हैंडराइटिंग अच्छी है तो मुझे अंक अच्छे आ जाएंगे। इस गलतफहमी को छतगन दूर करेंगे, ध्यान रखिएगा। छतगन मेंस के बाद तीसरी और अंतिम जो रणनीति मैंने आपको बताई, इंटरव्यू, अपने व्यक्तित्व को धारदार बनाएं, अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाएं, अपने व्यक्तित्व को खुशनुमा बनाएं, अपने व्यक्तित्व को आत्मविश्वासी बनाएं, अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाएं कि जो आपसे मिले वो प्रभावित हो जाए कि वाह क्या व्यक्तित्व से मिले थे जी, वाह क्या हसमुख आदमी था, वाह बार बार उससे मिलने की इच्छा करती है। छतगन, ऐसा व्यक्तित्व इंटरव्यू बोर्ड को भी प्रभावित करता है और इंटरव्यू बोर्ड को मजबूर कर देता है ज्यादा अंक दिलाने के लिए। छतगन, इंटरव्यू में आपके नेतृत्व क्षमता, आपका व्यक्तित्व, आपका आत्मविश्वास, आपका प्रतिक्रिया देने का तरीका, आपका व्यवहार, आज तक आपने अपने जीवन में जितने भी तरह के चीजों को अर्जित किया है अपने व्यक्तित्व में, वो सारे चीजों को वो लोग 20-25 मिनट के अंदर में पूरा बाहर निकाल लेते हैं और एक एक चीजों को आपको पकड़ लेते हैं। आपका फिजिकल एक्सप्रेशन कैसा है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, आपके बैठने का अंदाज कैसा है, आपके उठने का अंदाज कैसा है, आपके बात करने का तरीका कैसा है, ये सारे चीजें वो देखते हैं और यही सब चीजों के आधार पर आपका साक्षात्कार होता है छतगन। इसलिए व्यक्तित्व को अच्छा बनाइए और साक्षात्कार में भी सफलता प्राप्त कीजिए, यही आपकी सफलता की रणनीति होगी। तो छतगन, आज हम लोगों ने चर्चा किया है आपके सामने झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी की कैसी रणनीति बनाई जाए, क्या सिलेबस होते हैं, पीटी, मेंस और इंटरव्यू, तीनों चीजों के बारे में मैंने आपको डिटेल्स में बताए हैं। अगली कक्षाओं में हम लोग जानेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए पेपर वन, जहां पर जनरल स्टडीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी तैयारी की रणनीति क्या हो, क्या तैयारी करें कि आप पेपर वन में सफलता प्राप्त कर सकें और ज्यादा से ज्यादा अंक ला सकें। इसी तरीके से छात्रगण, हम लोग पेपर टू मेंस के लिए और अन्य चीजों के लिए भी सारी जानकारियों को इकट्ठा करेंगे। वही उत्साह, वही ऊर्जा, वही सकारात्मक सोच, वही जज्बा, वही जुनून और वही सुनहरे सपने लेकर के मैं फिर से आपके सामने में अगली कक्षाओं में उपस्थित होऊंगा। छात्रगण, आप सबों से अनुरोध है कि इस ख्वाब को पूरा करने के लिए, जेपीएससी के ख्वाब को पूरा करने के लिए छात्रगण, आज नहीं अभी संकल्प ले लें, एकदम अपने आप को एकाग्रचित कर लें और अपने अंदर से एक आत्मा की आवाज को मजबूत कर लें कि हाँ मुझे बनना है पदाधिकारी, मुझे बनना है प्रशासनिक अधिकारी, मुझे बनना है पुलिस पदाधिकारी, मुझे बनना है जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुझे बनना है वित्त सेवा का पदाधिकारी। छतगन, माता पिता के प्रति इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है, अपने अभिभावकों, अपने परिवार, अपने राज्य, अपने राष्ट्र, अपने जिले के प्रति इससे ज़्यादा गर्व की अनुभूति कुछ नहीं हो सकती कि आप प्रशासनिक अधिकारी बने और लोग आपका सम्मान करें। यही जीवन का फलसफा है छतगन, यही जीवन जीने का तरीका है। और दूसरों की मदद करना, गरीबों की मदद करना, उनकी दुआएं प्राप्त करना, यही जीवन का सबसे सही निर्णय होता है छतगन। इसलिए ईमानदार पदाधिकारी बने और सबों के प्रति सहयोग की भावना रखेंगे तो आप जीवन में हमेशा प्रसिद्धि के ओहदे पर बुलंद पाएंगे। जिस जिले से भी आपका ट्रांसफर होगा, लोग यही कहेंगे कि बहुत ही ड्राई ऑनेस्ट आदमी थे, बहुत ही लोगों की मदद करने वाले व्यक्ति थे, बहुत ही डाउन टू अर्थ थे, उनमें कोई भी घमंड नहीं था। यही व्यवहार ही आपको आगे ले जाता है छतगन, क्योंकि आदमी चले जाते हैं लेकिन उनका व्यवहार याद रह जाता है। पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी अगली कक्षाओं में, जानेंगे हम लोग जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए पेपर वन की तैयारी कैसे करें, क्या हो रणनीति, क्या हो स्ट्रेटजी, किस तरीके से झंडे को बुलंद किया जाए ताकि सफलता के झंडे को जो है बुलंद करते हुए सीधे तौर पर सफलता प्राप्त किया जा सके। इन्हीं सब चीजों के साथ मैं पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, हृदय से आभार, थैंक यू सो मच।